भारत में नॉर्थ ईस्ट रेलवे रूट्स ने तो कमाल करके दिखा दिया है। अब इन्होंने 75% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है और जल्द ही इसी साल के भीतर ये लोग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को भी अचीव करने वाले हैं। ये खुद नॉर्थ ईस्ट रेलवे के ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये भी देखने मिल गया है, यहाँ पर खुद मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारा जो बिल था हाई स्पीड डीजल लोकोमोटिव में जो यूज होता था, तो ये तो अब ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है 361 करोड़ रुपीस। यहाँ पर नहीं तो वेस्ट हो जाते, तो हमने इतना सेव कर लिया है। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने काफी स्मार्ट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम यूज किया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बेस्ड सोलर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में COFB कहते हैं। इसके इम्प्लीमेंट से 26% हायर सोलर एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं और ये काफी अब ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाला है। वैसे जो सेम कैपेसिटी इनके पास थी 4.72 मेगावाट की, तो इसी से ये लोग 26% ऑफ हायर सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अब रेलवे ने जो हेड ऑन जनरेशन HOG सिस्टम डेवलप किया था, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन में। इनफैक्ट अब ये तो 31 पेयर ऑफ ट्रेन चला रहे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। वैसे आपको बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है अपने आप में ही ये भी एक काफी बड़ी मिसाल है। 80% हम हमारे एनर्जी बिल्स को रिड्यूस करने में सफल हो पाए हैं इन एक्सप्रेस ट्रेन ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जो भारत के साइंटिस्ट ने डेवलप की है। इस साल के भीतर अब इनका तो टारगेट है नॉर्थ ईस्ट रेलवे का कि 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, और होपफुली पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का भी टारगेट है कि वो पूरे रेल सिस्टम को 2024 तक 100% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।